दीपक की उत्पत्ति सूर्य के अंश से हुई है। पौराणिक मतों में अग्नि के तीन रूपों की व्याख्या की गई है। ये तीन रूप है आकाश में सूर्य, अंतरिक्ष में विद्युत तथा पृथ्वी पर अग्नि। सूर्यांश संभवो दीपः श्लोक की यह पंक्ति सूर्य के अंश से दीपक की उत्पत्ति होने की पुष्टि करती है। ऐसा है क्योंकि प्रकाश का संबंध उसका केंद्र सूर्य ही है। प्रकाश को इतना पवित्र माना गया है कि सभी मांगलिक कार्यों से लेकर सभी देवी देवताओं की आरती तक में इसका प्रयोग अनिवार्य है। पुराणों तथा शास्त्रों में नौ प्रकार की पूजा अर्चना का विधान है, जिसके तहत दीप पूजा तथा दीप दान को श्रेष्ठ माना गया है। प्राचीन काल से ही भारतीय परंपरा के अनुसार किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में दीपक को प्रज्वलित करना अति शुभ तथा मांगलिक माना गया है। पुराणों तथा शास्त्रों में सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दीपक के भिन्न भिन्न प्रकार तथा उद्देश्य बताए गए हैं। अलग अलग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न तेलों तथा घी से दीपक प्रज्वलित किया जाता है, जिसका विभिन्न संहिताओं में वर्णन किया गया है। आर्थिक लाभ, व्यापार में वृद्धि तथा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सायंकाल के समय घी का दीपक जलाने का विधान है। शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए तथा सूर्य संबंधी कष्टों से मुक्ति के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनि देव की प्रसन्नता के लिए, न्याय पाने के लिए तथा स्वास्थ्य के लिए तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। सौभाग्य प्राप्ति के लिए देवों को महुए के तेल का दीपक जलाकर अर्पित करना चाहिए। राहु तथा केतु की शांति के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाकर देवाधिदेव भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। पुराणों तथा शास्त्रों में सामान्य पूजा के लिए पूजा के स्थल में एक एक बत्ती के दीपक जलाने का प्रावधान है। वैसे सामान्यतः दो दीपक पांच तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हुए पांच दीपों की आरती का प्रावधान भी है, किंतु कुछ ग्रंथों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के दीपक जलाने का वर्णन है। देवाधिदेव भगवान शंकर को आठ बत्तियों का दीपक अर्पित करना चाहिए। विघ्न विनाशक गणेश को तीन अथवा बारह बत्तियों का दीपक अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को दस या सोलह बत्तियों का दीपक जलाकर अर्पित करना चाहिए। देवी लक्ष्मी को सात बत्तियों का दीपक जलाकर अर्पित करना चाहिए। माँ आद्य शक्ति को केवल एक ही बत्ती का दीपक जलाकर अर्पित किए जाने का उल्लेख है।